प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में वर्ल्ड म्यूजियम डे पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां इंदौर स्थित म्यूजियम में पुरातन संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं को देखने के लिए संस्था मानवता की पहचान के सदस्य बच्चों को लेकर म्यूजियम दिखाने पहुंचे। देखिए खास रिपोर्ट। वर्ल्ड म्यूजियम डे पर खास पहल करते हुए संस्था मानवता की पहचान के सदस्यों के द्वारा बच्चों को म्यूजियम ले जाया गया, जहां संस्था सदस्यों ने बच्चों को म्यूजियम में मौजूद वस्तुओं को लेकर जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों के साथ संस्था के सदस्य मौजूद रहे। आज म्यूजियम डे है, सभी बच्चों को अपनी पुरातन चीजें दिखाने के लिए हम लोग यहाँ बस्ती के बच्चों को लेकर आए हैं। मानवता की पहचान संस्था है, हम नियमित रूप से इन बच्चों को बस्तियों में पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, आज इन सभी बच्चों का हमने CBSE स्कूल में एडमिशन कराया हुआ है और अभी सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास भी हुए हैं, तो हम उनको इंदौर का दौरा भी करा रहे हैं और आज इंदौर संग्रह इंदौर म्यूजियम में उनको सारी पुरातन चीज़ें दिखाने के लिए आज यहाँ लेकर आए हैं, ताकि बच्चे जाने समझे अपने इतिहास को। संभागायुक्त दीपक सिंह ने म्यूजियम में लगी प्रदर्शनी की जमकर सराहना की है। पुरातत्व दिवस पे मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग के द्वारा आज यहाँ केंद्रीय संग्रहालय में जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार, पुरातत्वविद और इस विषय पर रुचि करने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं। भारतवर्ष में अगर हम देखें, विशेष रूप से इंदौर के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर ऐसे अनेक स्थान हैं, चाहे वो मांडू हो या बुरहानपुर हो, महेश्वर हो, इंदौर हो, जहाँ की हमें जो नर्मदा वैली की जो सभ्यता थी वहाँ से लेके और तमाम जो अलग अलग काल हुए, विशेष रूप से गुप्त काल की तो राजधानी ही उज्जैन थी, बाद में परमार काल में राजा भोज की राजधानी धार और मांडू रही, और कालांतर में होलकर के समय में, राजवंश के समय में अहिल्या जी का और होलकर राजवंश का जो शासन रहा, इस तरह अनेक ऐतिहासिक धरोहर को यहाँ संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है। और मुझे ये आज बहुत खुशी है कि इस अवसर पे मुझे संग्रहालय में आने का अवसर मिला, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यूनेस्को ने इंदौर संभाग में बुरहानपुर के कुंडी भंडारा को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, और अभी मध्य प्रदेश शासन इसके लिए भी प्रयासरत है कि मांडू में जो वहाँ पर आर्कियोलॉजी महत्व के जो इमारतें हैं उनको भी यूनेस्को से एक वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में वर्ल्ड म्यूजियम डे पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां इंदौर स्थित म्यूजियम में पुरातन संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं को देखने के लिए संस्था मानवता की पहचान के सदस्य बच्चों को लेकर म्यूजियम में पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।